हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल यम्मी रेसिपीज ऑफ आशा नंदवानी। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक ट्रेडिशनल रेसिपी, ट्रेडिशन कह सकते हैं आप इसे, जो मुल्तानियों का, पंजाबियों का है और बहुत 50 से 60 साल पुराना है और कई आजकल की नई पीढ़ी से भूल चुकी है। तो मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करनी चाहिए रेसिपी, ये ट्रेडिशन शेयर करना चाहिए आप लोगों से। अगर मैं आप लोग की कुछ हेल्प इसे शेयर करके आप कुछ हेल्प कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो और ये ट्रेडिशन होता है गुगा डालना, इसे सावन में डाला जाता है। कैसे डाला जाता है, कब डाला जाता है, तो मैं इसे पूरा आपको रेसिपी के बीच में बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे चलिए बनाना शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से लंबी लंबी सेवई होती हैं, बनाई जाती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं और इसे गुड़ में पकाकर बनाया जाता है। ये इसे बोलते हैं गुगा डालना और साथ में मीठे पूड़े भी बनते हैं। तो मैंने इसके लिए ले लिया है आटा आधा कप और इसे मैं डो लगा लूँगी। इसका हमें टाइट डो लगाना है पूड़ी की तरह। तो ये मैंने लगा लिया है और इसे मैं लगाकर इसे 5 मिनट के लिए रख दूँगी और फिर इसके बाद इसकी मैं सेवियाँ बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो गुगा है सावन में डाला जाता है। कई लोगों का रिवाज होता है कि चारों संडे डालते हैं और कई लोगों का रिवाज होता है कि सिर्फ एक दिन डालते हैं, या शनिवार, एक शनिवार या फिर एक इतवार को, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये भी उनके परिवार का अपना रिवाज होता है। तो आपके परिवार में जो हो आप उस तरह से कर लें। तो मैंने इसे रख दिया है 5 मिनट के लिए। अब 5 मिनट बाद मैंने इसे निकाल कर इसकी छोटी छोटी मैं लोइयाँ बना लूँगी और इसे मैं पतला पतला बेलूँगी। अब मैंने थाली को उल्टा किया है, इसके पीछे मैं इस तरह से करके बना दूंगी और आप हाथ से भी कर सकते हैं, इस तरह से हाथ में लेकर भी बना सकते हैं। तो जितनी पतली मोटी आप चाहें उतनी बना सकते हैं। अगर और फ्रेंड्स, अगर आपके पास बनाने का टाइम ना हो तो आप जो आटे वाली नूडल्स होती हैं वो भी आप लेकर उन्हें बॉयल कर सकते हैं। सीधा उन्हें बॉयल कर लें और फिर उसे आप गुड़ में डाल दें, सबसे आसान तरीका रहता है वो। अगर आपको खाना नहीं है, सिर्फ डालना है, वैसे तो आप उसको भी आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं अगर टाइम नहीं है बनाने का। तो इस तरह से पिछले ज़माने के लोग इस तरह से पतीले को उल्टा करके, कलश को उल्टा करके भी बनाते थे। तो इस तरह से ये लंबी लंबी रहने देते थे, इतनी पतली आप जितनी चाहें उतनी, अगर खाना है तो पतली रखें, नहीं खाना है तो मोटी रख सकते हैं। और मैंने ये आधा ही आटा मैंने यूज़ किया है, मैं सिर्फ डालने के लिए बना रही हूँ। अब मैंने मीठे पूड़े बनाने के लिए एक पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी और मैं इसमें डालूंगी पानी थोड़ा सा, इससे ज़्यादा बस, 1/4 कप से मैंने 2-3 चम्मच और ऊपर डाला है। और ये देखें, थोड़ा सा और डाल रही हूँ। तो इसे हम बस मिक्स कर लेंगे, बस मिक्स करना है, हमें चाशनी नहीं बनानी है। तो इसे हम हल्का सा बॉयल करते करते इसे बस मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, हम मिक्स हो गया है इसमें पानी अच्छे से। और कई लोगों का रिवाज होता है जो चार डालते हैं उनमें, चार में पहले 2 संडे जो है वो सिर्फ पूड़े का डाला जाता है, मीठे पूड़े का, और लास्ट के 2 संडे सेवइयों का डाला जाता है। और जो लोग सिंगल डालते हैं तो दोनों को मिलाकर डालते हैं। तो अब मैंने एक रख लिया है पैन, इसमें मैंने डाला है एक गिलास पानी भी कह सकते हैं, और उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा सौंफ। इसे मैं बॉयल कर लूँगी और अब इसमें मैं इसे बॉयल आने देंगे, तब हम इसमें जो सेवियाँ हैं ये हम डाल देंगे। तो इसे हम इसे बॉयल होने देंगे 3 से 4 मिनट, लगभग 4 से 5 मिनट। तो मैंने ये सारी ऐड कर दी हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं बॉयल कर लूँगी इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। ये देखें बॉयल हो रही है, इसे बीच बीच में आप हिलाते रहें। अगर खाने के लिए आप बना रहे हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा उबालें, अगर आप सिंपल डालने के लिए बना रहे हैं तो जस्ट आप मिक्स कर दीजिए, इसमें एक बॉयल दीजिए और थोड़ा सा गुड़ डालिए और आप तैयार हो जाएगा डालने के लिए। तो आप जिस तरह से बनाना चाह रहे हैं बनाएं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़, 1/4 कप ही गुड़ लिया है लगभग, और इसमें मैं इसे मिक्स होने, ये अपने आप ही मिक्स हो जाएगा, इसे भी बॉयल होने दूंगी 2 से 3 मिनट। ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं सेवइयाँ, जिसको हम तो बचपन में बहुत शौक़ से खाते थे। तो इसे हम बॉयल होने देंगे, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह। तो अब मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें लिया है ये 1/4 कप ही आटा, और जो मैंने अभी मिक्सचर बनाया था चीनी और पानी का जो घोल बनाया था, इसमें डालकर इसे मैं मिक्स कर लूँगी
ये मैं बना रही हूँ आटे के मीठे मालपुए, मतलब पूड़े जिसको हम बोलते हैं, डोई भी कह सकते हैं आप इसे, आटे के मीठे चिल्ले। और ये इस तरह से, ये देखें पूरा पानी लग गया है इसमें जो मैंने अभी मिक्स किया था, वो इस तरह से हमारा ये घोल तैयार हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से तैयार हुआ, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। और अब ये भी देखें हमारी लगभग ये तैयार हो चुकी हैं। हल्का सा हम अभी इसे और भी मीडियम फ्लेम, बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम को, और इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे। और अब मैंने फिर तवा रख लिया है और इस पर लगाया है थोड़ा सा ऑयल, और अब मैंने डाल दिया है इस तरह से इसको, छोटा सा जो हमें डालना होता है वो हम छोटा ही बनाते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और यहाँ है, जो चार आप डालते हैं, जो जो लोग चार डालते हैं, जो दो पूड़े के डालते हैं, उसमें सात छोटी छोटी इस तरह से पूड़े बनाए जाते हैं, और उन सबको इकट्ठे करके नलके पर रख दिया जाता है, या फिर नलके पर या तालाब पर डालते हैं कई लोग। सबका अपना अपना तरीका है डालने का, और कई लोग इसे जंडी पर डालते हैं। तो आपके जहाँ जो रिवाज हो आप उस तरह से इसे डाल सकते हैं। नलके पर डालते हैं मतलब कि कहीं आसपास आजकल तालाब नहीं होते हैं, तो इस तरह से आप इसे नलके पर, मंदिर में जाकर नलके पर डाल सकते हैं। नल पे छुआ कर आप उसे नीचे रख दें, उसके आसपास हम तो सात बार धागा को लपेट कर, मतलब सात चक्कर देते हैं धागे के, या फिर आप धागा जो है नलके पर या फिर आप पेड़ पर बांध सकते हैं। और इस तरह से मैंने एक ये थोड़ी सी बड़ी बना ली है, क्योंकि हम जो इसको साथ लेकर जाएंगे वापस आकर प्रसाद के रूप में सबको बांटेंगे। और फ्रेंड जो सात बनानी होती हैं वो आप इससे छोटी छोटी भी बना सकते हैं, सिर्फ एक एक चम्मच डालकर छोटी छोटी सात बना लें, और उसके बाद उसे ले जाकर नल पे छुआ कर आप उसे नीचे रख के उसके आसपास धागा, सात चक्कर धागा के लगा दें, या फिर पेड़ पे डाल रहे हैं तो पेड़ पे उसको बांध दें धागे को। वैसे इनके आसपास भी हम सात चक्कर रख देते हैं, और फिर प्रार्थना करें कि हे नाग देवता आप जहाँ हैं वहीं रहें, मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे, आप जहाँ हैं वहीं रहें, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखें, हमारे परिवार को सुरक्षित, जिस तरह से आप प्रार्थना करते हैं आप उस तरह से कर लें। और फिर पानी वहाँ से भर कर ले आएँ और अपने घर में आकर छिड़क दें। इस तरह से डाला जाता है, ये पूरे घर में आप छिड़क दें, और पहले थोड़ा सा घर में थोड़ा थोड़ा चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ, आंगन है तो आंगन में सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डाल दें, और फिर थोड़ा थोड़ा इसको तोड़कर डाल दें। मतलब अभी ये देखिए हमारी ये भी बनकर रेडी है, हम इसे बंद कर देते हैं, और ये भी रेडी है, तो हम इसे डाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से मैंने एक कटोरी ले ली है, इसमें मैं पहले वो पूड़ा रख दूंगी और फिर इसके ऊपर ही सेवियाँ डाल लूँगी। और फ्रेंड्स जो मैंने ये पूड़े बनाए हैं मैंने चीनी से बनाए हैं, तो आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं, गुड़ से भी अच्छे लगते हैं। देखिए मैं इस तरह से इसके ऊपर ही सेवियाँ डाल लूँगी, और ऐसे का ऐसे ही इसे ले जाकर नलके पर छुआ कर और मैं इसे डाल दूँगी, और बाकी इसका प्रसाद आकर बांट दूँगी जो दूसरा मैंने साथ लिया है। और अगर आप साथ जो चार, मतलब सेवियों का जो दो डालने हैं लास्ट में, बस खाली सेवियों को आप पानी में इस तरह से बॉयल करके ले जा सकते हैं अपने साथ, और इस तरह से डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन बाय बाय।